नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का न्यूज 69 भारत में स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। आज की प्रमुख खबर है निरसा में हुए खान हादसा को लेकर। आपको मालूम होगा कल अवैध उत्खनन करने के क्रम में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, ऐसी आधिकारिक पुष्टि है। आज उपायुक्त धनबाद संदीप कुमार ने प्रेस वार्ता किए और मीडिया को यह जानकारी दिए कि अलग अलग समाचार पत्रों एवं पोर्टल में अलग अलग तरह के खबर चल रहे हैं। कोई 12 मौत बता रहे हैं तो कोई 14। उन्होंने आधिकारिक रूप से पुष्टि किया कि वहां मात्र 5 लोगों की ही मृत्यु हुई है, जो अस्पष्ट हो गया है। एक बात और उन्होंने स्पष्ट किया कि वो चाहते हैं कि जो लोग ग्रामीणों को वहां से ले जाते हैं, संगठित करके कोल उत्खनन में लगाते हैं, वहां तक पहुंचने की पुलिस की मंशा है और उसे पकड़कर सलाखों के पीछे करना चाहते हैं। मुगना एरिया में इंसिडेंट हुआ है गोपीनाथपुर क्षेत्र में, उसके संबंध में और वास्तविक स्थिति क्या है। कुछ जगहों पर जो नंबर वगैरह रिपोर्ट हो रहे हैं, जो इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, वो जो वास्तविक इंसिडेंट वहाँ पर अभी तक रिपोर्टेड है आधिकारिक रूप से, जिसकी पुष्टि हुई है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। वास्तविक स्थिति क्या है उसके संबंध में आप लोगों को जानकारी देने के लिए है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि कल ECL मुगमा क्षेत्र में गोपीनाथपुर उनकी कोलेरी है जो निरसा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर इंसिडेंट हुआ जिसमें कोलेरी के अंतर्गत कुछ लोगों के माइनिंग एरिया में ट्रैक होने की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद में प्रशासन की टीम द्वारा, स्थानीय जो पुलिस है उनके द्वारा और ECL की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की टीम है उनके द्वारा वहां लोगों को चिन्हित करने की, पहचान करने की, निकालने की, वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उस पूरे अभियान में 5 लोग वहां पर ट्रैक पाए गए माइन में। वो बेसिकली वैसे लोग हैं जो कि माइनिंग एरिया, जैसे आप जानते हैं कि प्रोहिबिटेड एरिया है, वहाँ सिर्फ जो स्किल्ड माइनिंग प्रोफेशनल हैं, पर्सनल हैं, उनके जाने की अनुमति रहती है। लेकिन जो ये लोग वहाँ पर ट्रैक हुए थे कल, वो आसपास के गांव के रहने वाले लोग थे जो कि उस क्षेत्र में गए थे और कोयला चुनने वगैरह का काम लोग करते हैं, ऐसा वहाँ पर आज मेरे द्वारा भी इसका भ्रमण किया गया। ECL के GM और उनकी सारी टीम, BGMS की टीम वहाँ पर थी और उस क्रम में लोग वहाँ पर ट्रैक हुए और सबसाइडेंस की धंसने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 5 लोगों की डेथ हुई। एक विषय आज हम लोगों ने कुछ जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया स्थानीय स्तर पर जो ऑनलाइन पोर्टल वगैरह है उनमें कई जगहों पर डेथ के फिगर्स बताए गए कि ज्यादा है। उसमें ECL का ही कापासाड़ एरिया है, उसमें कुछ जगहों पर बताया गया कि वहां पर भी एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें कुछ लोगों की डेथ हुई है और वो संख्या अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिपोर्ट की जा रही है। कहीं पर प्योर इंजरी रिपोर्ट की जा रही है, कहीं पर बताया गया कि एक आदमी की डेथ हुई है, कुछ जगहों में उसमें कापासाड़ा एरिया में 2 लोगों की डेथ की सूचना प्रकाशित की है या सोशल मीडिया पर है। ECL GM से और उनके जो संबंधित प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं उनसे लिखित में एक रिपोर्ट आज मांगी गई थी। DGMS के जो क्षेत्रीय डायरेक्टर हैं उनकी टीम भी आज वहाँ गई थी और ECL के स्तर से एक राइटिंग में रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजा गया है कि कापासाड़ एरिया में किसी तरह का जान माल की क्षति की आधिकारिक सूचना उनके पास नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो ये आपको क्लियर करना है। दूसरा कि BCCL के एक क्षेत्र में CV एरिया उनका है, वहाँ पर भी दहीबाड़ी जगह का नाम है, उसके बारे में भी कुछ जगहों पर कुछ स्रोतों से बताया गया कि वहाँ भी कल एक इंसिडेंट हुआ है और वहाँ भी अलग अलग तरह की न्यूज़ है, कुछ जगहों पर इंजरी की, कुछ जगहों पर 1-2 अलग अलग डेथ्स भी अलग अलग स्रोतों ने रिपोर्ट किया है। BCCL CMD से भी मेरी बात हुई, जो संबंधित DGMS के लोग हैं स्थानीय स्तर पर, BCCL की सेफ्टी की टीम है, उनके GM ने भी लिखित में ये प्रतिवेदन दिया है कि उनके यहाँ कल इस तरह का कोई इंसिडेंट जिसमें कि चौक सबसाइड हुआ हो या धंसा हो और उसमें किसी की डेथ या इंजरी हुई हो, ऐसी कोई घटना उनके यहाँ नहीं हुई है। तो एक तो ये क्लियर करना था कि कापासाड़ा एरिया और CV एरिया जो दही वाली क्षेत्र है वहाँ पर जो
बीसीसीआई और बीसीएल के द्वारा आधिकारिक रूप से ये लिखित में सूचना दी गई है कि उनके क्षेत्रों में इस तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई है। दूसरा, इस घटना के बाद जब ये स्थल निरीक्षण कर और इसके ऑपरेशन और आज डीजीएमएस की टीम और बीसीएल की टीम के द्वारा किया गया, तो मुकमा एरिया में विशेष रूप से और बीसीसीआई के कुछ क्षेत्रों में माइनिंग एरिया जो कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो आम लोगों के लिए एक तरह से वहां जाना ठीक नहीं है, वो सुरक्षित एरिया नहीं है, उसमें कई जगहों पर कई बार छटपुट लोग और कई बार संगठित होकर भीड़ के रूप में भी लोग जाते हैं, वहां कोयला वगैरह चुनने का काम करते हैं। ईसीएल को और बीसीसीएल को ये स्पष्ट कहा गया है कि माइनिंग लीज एरिया की सेफ्टी की, वहां का एक्सेस कंट्रोल, वहां का पेरीमीटर कंट्रोल, केवल ऑथराइज्ड लोग उनके यहां पहुंचे, ये इंश्योर करना उनकी जिम्मेवारी है। उसके लिए जो आवश्यक माइन सिक्योरिटी पर्सनल चाहिए, सीआईएसएफ का जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो अपना अरेंज करेगा। अगर किसी भी एरिया जीएम को लगता है कि उनके यहां पर वर्तमान में जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सीआईएसएफ की टीम है, उसमें कमी है, उसको और उनको स्ट्रेंथ चाहिए, तो जो अपना उनकी हायरार्की है उसको एस्केलेट करें और प्राप्त करें। लेकिन ये इंश्योर करना प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित कोल कंपनी की है कि उनके क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से लोग प्रवेश नहीं करें, ताकि किसी तरह की जान माल की इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। दूसरा, कई जगहों पर प्रथम दृष्टया देखने से जो लगता है कि कुछ लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से, चूंकि वो ग्रामीण है, स्थानीय है, तो उनको एज ए लेबरर यूज करके उनको कुछ पैसा वगैरह देते होंगे, या कई बार लोग खुद से भी वहां जाते हैं, और ऐसी जगहों पर उनको भेजते हैं जो कि उनके लिए सुरक्षित नहीं है। ईसीएल बीसीसीएल दोनों को ये कहा गया है कि अगर उनके क्षेत्र में इस तरह की फोर्स्ड एंट्री की घटनाएं होती है, बल प्रयोग करके लोग उनके क्षेत्र में आ गए, कई बार जो उनकी सेफ्टी की टीम होती है उस पर पत्थर मारने की, पत्थर चलाने की घटनाएं हुई हैं, उनके ऑफिसर्स पर पथराव की घटनाएं लोगों द्वारा की जाती हैं, उन लोगों द्वारा उनके क्षेत्र में जाते हैं, तो अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो एफआईआर दर्ज कराएं और स्थानीय पुलिस को जिला स्तर से भी और स्थानीय स्तर से भी ये निर्देश दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन के समय ये जरूर एक एंगल देखें कि अगर लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से कोई है जो कि वहां भेजकर इलीगल माइन करा रहे हैं, तो लोगों की जान माल का खतरा नहीं हो, इसलिए उनकी पहचान करें, उनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य इकट्ठा करें, चार्जशीट करें, उनको देख लें। दूसरा, कुछ एक जगहों पर आप लोगों के माध्यम से भी और कई बार अन्य स्रोतों से भी आता है कि इस तरह के इंसिडेंट होने के बाद स्थानीय स्तर पर ग्रामीण उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे कई बार आप लोग भी बताते हैं कि इंसिडेंट हो गया लेकिन लोग बॉडी चुपचाप लेके चले गए, या उनको डर है कि कहीं हमसे पूछताछ ना हो जाए, तो आपके माध्यम से ये हम लोग बिल्कुल इंश्योर करना चाहते हैं कि एक बार इंसिडेंट हो गया तो वो लोग वहां क्यों गए थे, किस परिस्थिति में गए थे, विक्टिम की फैमिली को किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पुलिस के स्तर से, स्थानीय प्रशासन, ईसीएल नहीं हो, ये एकदम स्पष्ट डायरेक्शन सभी को है। जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो वहां लोगों के प्रोटेक्शन के लिए ही हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस अगर आपको रोड पर रोकता है कि आप हेलमेट लगा के चलें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सीडेंट के केस में अगर किसी की डेथ होती है तब फिर हम लोग ये जांच पड़ताल पीछे छोड़ देते हैं कि वो हेलमेट लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे। इंसिडेंट नहीं हो इसके लिए सेफ्टी मेजर्स हों, लोग जबरदस्ती आना चाहें तो उनको फोर्स यूज करके भी बाहर रखना पड़े तो वो करें, लेकिन एक बार इंसिडेंट हो गया, किसी कारण से लोग वहां गए थे और दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके परिवार को आपके माध्यम से मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ, एसएसपी साहब हैं यहाँ, एसपी ग्रामीण है, कि उनको किसी तरह का प्रशासन से, पुलिस से, ईसीएल से, स्थानीय स्तर पर हो सकता है, ऐसे कई बार शिकायत आती है कि जिन्होंने उनको हायर किया है, जो उनको पैसा देते हैं कि आप जाइए माइनिंग करके कोयला चुन के लाइए, वो लोग कई बार डराते धमकाते हैं कि वो अपने स्तर से भी मतलब इस तरह की बातें आती हैं, ये सही है नहीं है वो जांच का विषय है,
तो परिवार के व्यक्ति के परिवार को किसी तरह का कोई डर भय नहीं रहे, ये हम लोग बिल्कुल इंश्योर करेंगे। जो आवश्यक मदद होगी वो हम लोग इंश्योर करेंगे। लेकिन अपील आपके माध्यम से सभी लोगों से है कि उन क्षेत्रों को आपने देखा है जिन परिस्थितियों में कई बार लोग वहां और जैसी जैसी जगहों पर माइनिंग करने जाते हैं वो बिल्कुल असुरक्षित है, तो वो नहीं करें। पुलिस और विशेष रूप से पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कोल कंपनी की है कि उनके क्षेत्र में अगर फोर्स एंट्री के इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो उसको FIR के रूप में उससे कंप्लेंट जरूर लॉन्च कराएं, ताकि हम लोग जांच करके ये पता कर सकें कि एक्चुअली कौन है जो इनको यहाँ भेज रहा है। वहाँ से कोयला निकल रहा है तो कहीं खपत भी हो रही है, उसकी जा भी रहा है, तो उन सब चीज़ों पर भी DGMS की टीम को भी निर्देश दिया गया है। अभी थोड़ी देर में हो सकता है कि डायरेक्टर उस क्षेत्रीय जो DGMS है वो ज्वाइन करेंगे कि उनके स्तर से जब माइंस के इंस्पेक्शन होते हैं और इस तरह की चीज दिखाई देती है तो माइनिंग एरिया में सेफ्टी प्रोटोकॉल के खिलाफ है, उसमें संबंधित कंपनी को नोटिस दें। जो भी कंप्लायंस इंश्योर कराने के लिए कार्रवाई है वो इंश्योर कराएं, तो वो DGMS को इंश्योर करना है। और उसके लिए भी हम लोग DGMS से लेकर जो सभी जो स्थानीय पदाधिकारी हैं उनको भी पत्र दे रहे हैं। तो ये मोटा मोटा 3-4 विषय थे जिन पर एक स्थिति स्पष्ट हो, कोई भ्रम की स्थिति नहीं हो, चाहे नंबर्स को लेकर चाहे नंबर ऑफ डेथ को लेकर, वो हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं।